अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो आइस नेटवर्क का एक न्यू प्रोजेक्ट सन वेव आ चुका है, इसका फुल ओवरव्यू करने जा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ आपने माइनिंग सेशन को किस तरह आपने ऑन करना होगा, किस तरह आपने लेवल 5 तक इसमें जाना है, और किस तरह यहाँ पे जो आपको प्रोफाइल अपनी दिखाई दे रही है और योर प्रोग्रेस, इसको आपने 6x6 किस तरह करना है, तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले फ्रेंड बता दूँ, सनवेव बहुत ही कमाल का और बढ़िया प्रोजेक्ट है और ऑलरेडी कई एक्सचेंज के साथ इनकी पार्टनरशिप है, क्योंकि आइस नेटवर्क कई मुख्तलिफ एक्सचेंज पर लिस्टेड है और ये आइस नेटवर्क की ब्लॉकचेन पर लिस्ट होगा। और आइस नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है वो अक्टूबर के अंदर लाइव होने जा रही है, और इस वजह से आइस नेटवर्क की जो प्राइस है वो भी काफ़ी हद तक पम्प करेगी। तो इस प्रोजेक्ट को भी आपने मिस नहीं करना, स्टार्ट से ज्वाइन करना है और स्टार्ट से इसमें जितने भी आपको लेवल वगैरह हैं, बूस्ट हैं, वो तमाम अभी से कर लेना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें माइनिंग कर सकें। अभी इसका माइनिंग रेट बहुत ही कमाल का है, पर हावर आपको 20 SW टोकन इनके मिल रहे हैं, और ये जैसे जैसे इसकी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी इनकी हलविंग होती जाती है और बेस रेट कम होता जाता है। तो जो बंदा भी स्टार्ट से इसको ज्वाइन करेगा और अपने लेवल को बूस्ट कर लेगा तो उसकी यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग होने वाली है। तो सबसे पहले इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को देखकर आपने इसमें अकाउंट बना लेना है। अगर आपके अकाउंट में कोई इशू आता है तो बाद में ट्राई कर लेना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पर अभी लोड है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखें, सबसे पहले इसके माइनिंग सेशन की मैं बात करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका माइनिंग सेशन 24 आवर का होता है, लेकिन जैसे ही इसके 12 आवर अगर गुजर जाते हैं, वो अगर फिर अगर आप चाहते हैं कि अपने माइनिंग सेशन को 24 आवर तक ले जाएं तो फिर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड देखें, यहाँ पे मेरा माइनिंग सेशन अभी चल रहा है, करीबन जैसे ही इसका 24 आवर का माइनिंग सेशन होता है और जैसे ही इसका हाफ टाइम गुजर जाता है, जैसे ही आप ये समझ लें कि 12 घंटे गुजर जाते हैं और फिर लास्ट 12 घंटे रहते हैं, तो इसका जो माइनिंग सेशन है वो इस तरह का येलो हो जाता है और यहाँ पे एक आपको सर्कल भी दिखाई दे रहा है। इसका पर्पस यह है कि अगर आपने अगेन अपने माइनिंग सेशन को 24 आवर तक लेकर जाना है तो आप लेकर जा सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या होता है कि यहाँ पे इस बटन पे आपने थोड़ा सा उंगली प्रेस करके रखनी होगी। जैसी उंगली प्रेस करके रखेंगे उसके बाद ये जो आपका माइनिंग सेशन है अगेन ये आपका 24 आवर तक ले जाते हैं। तो अगेन यहाँ पर मैं प्रेस कर देता हूँ, आपने भी इसी तरह एज इट जिस तरह हमने आइस नेटवर्क में करते थे उसी तरह आपने यहाँ पे फ्रेंड प्रेस करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा अगेन जो टाइमर है वो 24 आवर का चल पड़ा है, और नीचे आपको माइनिंग बटन जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन ग्रीन हो चुका है। तो ये सबसे पहले माइनिंग बटन का आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि 24 आवर का टाइम पास टाइम गुजर जाता है और हमारा माइनिंग सेशन एंड होता है तो हमारी माइनिंग वैसे वेस्ट होती रहती है। तो इस पर्पज़ को अगर आप यूज़ करेंगे इस बटन को तो आपकी जो माइनिंग है वो आपकी वेस्ट नहीं होगी, प्रॉपर माइनिंग होती रहेगी। तो सबसे पहले ये हो गया माइनिंग, और इसी तरह आपने ये वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनवाइट ए फ्रेंड, इस पे आपने क्लिक करके आपने कॉपी लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर कर देना है। इससे आप अपने रेफरल को भी आसानी के साथ इंगेज कर सकते, और जितने ज़्यादा रेफरल बनाएंगे, और इसमें क्योंकि 2 लेवल तक आपको इनकम होने वाली है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर फ्रेंड अगर मैं बात करूँगा अचीवमेंट की, सबसे पहले यूर प्रोग्रेस ये होता है कि आप जैसे ही अकाउंट बना देते हैं, माइनिंग सेशन ऑन करते हैं, तो ये यहाँ पे आपके कुछ टास्क होते हैं ये आपने कंप्लीट करना है। सबसे पहले वाला टास्क है क्लेम योर निकनेम। जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइम आप अपने यूज़र नेम सेट करते हैं, तो ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाता है, तो ये हो जाता है। और इसी तरह सेकेंड जो टास्क है वो ये है कि जैसे ही आप अपना फर्स्ट माइनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। थर्ड नंबर पे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पे इस पर आपने क्लिक करके आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लगा देनी है। तो जैसे ही फ्रेंड आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो जाती है उसके बाद 3x6 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे एक्स अकाउंट है तो यहाँ पे इसको भी आपने कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे ही फ्रेंड ये आप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर 5th नंबर पर देखें तो टेलीग्राम का इनका ऑप्शन है, तो ये आपने यहाँ पर ये भी ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह फ्रेंड आपने ये तमाम टास्क यहाँ पर ये कम्प्लीट कर लेना है। तो ये जैसे आप कर लेंगे उसके बाद इसमें आपने अपने लेवल को किस तरह अपग्रेड करना है बूस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं माइनिंग सेशन पे यहाँ बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे आपको एक बूस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये भी आपको दिखाई दे रहा है बूस्ट योर अर्निंग रेट। तो ये आपने किस तरह इनक्रीज़ करना है ये मैं बता देता हूँ।
तो आपने फ्रेंड करना क्या है कि यहाँ पे ये फोर डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपको बूस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने बूस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बूस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ लेवल है। सबसे पहले लेवल वन है, यहाँ पे फाइव लेवल तक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं और फाइव लेवल तक यहाँ पे आप ये समझ लें कि अच्छी खासी आपको माइनिंग स्पीड मिलती है और यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर ये चीज़ देखें, जो आइस नेटवर्क या जिस जिस एक्सचेंज पर लिस्टेड है वो नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि ये तमाम एक्सचेंज इसके साथ भी पार्टनरशिप में हैं। तो ये आइस नेटवर्क प्रोजेक्ट है, तो ये तमाम इसकी बैक में है, तो आपने इसको हल्के में नहीं लेना। तो करना फ्रेंड आपने क्या है कि यहां पे सबसे पहले लेवल वन है, लेवल वन को अपग्रेड करने के लिए आपको 205 आइस टोकन चाहिए और ये जो आइस टोकन यहाँ पे आप सेंड करेंगे ये बर्न हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिसमें यूटिलिटी आए आइस नेटवर्क की और आइस नेटवर्क की प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप हो जाएगी। तो जिन लोगों को आइस नेटवर्क के फ्री में टोकन मिले थे और उनके पास होल्ड हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा। और इसके लिए बूस्टिंग के लिए अगर ये पाँच लेवल आप कर लेंगे तो यहाँ से आपकी अच्छी खासी स्पीड बूस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड देखें तो ये आपने कर लेना है, इसके लिए लिमिट रेफरल की लिमिट 5 है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे लेवल 1 है तो नीचे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको टाइमर बता रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर आपने यहाँ पे पेमेंट सेंड करनी होगी। पेमेंट कौन सी, आइस की, और आइस क्योंकि BNB के भी ब्लॉक चैन पर है तो आपने BNB की ब्लॉक चैन से सेंड करना है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसी तरह ये आपको एड्रेस दिया गया है, यहाँ से आपने एड्रेस को यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा ये वाला, तो यहाँ पे आपने शॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने अपने एड्रेस को ये जो दिया गया है इसको कॉपी कर लेना है। और जैसे ही कॉपी कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपने टिक पे क्लिक कर देना है और जैसे ही टिक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने टोकन सेंड करने होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंड देखें, आप जैसे ही एड्रेस पे क्लिक करेंगे ये आपको डेट दिखाई देगा, लेकिन ये आपका पर्पज़ नहीं, आपने जैसे इसको कॉपी कर लेना है। जैसे ही कॉपी कर लेंगे उसके बाद नीचे आपने चेक पे कर देना है क्लिक, ये जो नीचे आपको चेक दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद इस पर अभी बटन प्रेस नहीं करना, अब भी आपने आइस टोकन सेंड करने हैं। यहाँ पर देख लें आपको करीबन 205.5 है तो आपने 206 कर लें तो आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो मैं यहाँ से अपने ट्रस्ट वॉलेट से सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में आ चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास आइस पड़े हुए हैं, तो इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ और जो एड्रेस मुझे दिया गया वही मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पे करीबन मैं 206 आइस लिख देता हूँ। जैसे ही फ्रेंड इस पर लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी और एक्सचेंज वगैरह से करेंगे तो वहाँ से हो सकता है वहाँ पर आइस टोकन की फ़ी लगे, तो आपने उस हिसाब से सेंड करना है ताकि आइस की अगर फ़ी लग जाए तो फिर आपने ज़्यादा सेंड करना है ताकि वहाँ पर आपके 206 के राउंड अबाउट वहाँ पर चले जाएँ। तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करें यहाँ मैं ट्रस्ट वॉलेट जो मेटामास्क से कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो हमारी फ़ी लगती है वो क्योंकि BNB की ब्लॉक चैन पर है तो हमारी BNB की फ़ी लगती है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने सेंड कर दी और ये मेरा स्टेटस कंप्लीट आ रहा है। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ मोर डिटेल पे कर देना है क्लिक। अगर आप फॉर एग्जांपल एक्सचेंज करेंगे तो वहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन है, इसकी जो आईडी होती है वहाँ पे आपको विजिबल होती है, लेकिन ये क्योंकि BNB की ब्लॉकचेन पे है तो BNB की ब्लॉकचेन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ट्रांजैक्शन है इसके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वाला। तो ये ट्रांजेक्शन जो भी हमने किया है उसी का हैश कोड क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर नीचे आपको ये कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आपने ये कर लेना है कॉपी और उसके बाद अगेन आपने सनवेव में आ जाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपने नीचे कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पे सिलेक्ट नेटवर्क है तो यहाँ एरो पे क्लिक करके क्योंकि BNB की ब्लॉकचेन से हमने सेंड किया है तो यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन आपने सेलेक्ट कर लेना है और जो हैश ट्रांजेक्शन है हमने कॉपी किया है वो यहाँ पर आपने पेस्ट करके नीचे कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें वेरीफाई होगी और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुल यहाँ पे कन्फर्म है, ये हमारा हो चुका है। और उसके बाद आपने नीचे डन पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं पहले मेरी 20 माइनिंग स्पीड थी और अभी यहाँ पे 50 हो चुकी है। तो ये अभी मैंने लेवल 1 किया है, इसी तरह मैं तमाम लेवल यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो
इसी तरह फ्रेंड मैंने यहाँ पे लेवल टू भी कर लिया, और लेवल टू के लिए भी यहाँ पे 205 लग गए। ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर नहीं भी करना तो फ्री में जो आपको माइनिंग एशो रेट मिल रहा है वही आपके लिए सूटेबल है। और यहाँ पे देखें अभी मेरी करीबन माइनिंग स्पीड जो हो चुकी है वो 90 हो चुकी है। इसी तरह अगेन मैं यहाँ पे 4 डॉट पर क्लिक कर दूँ और उसके बाद यहाँ पे बूस्ट पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें मेरा लेवल 1 और लेवल 2 पर ऑफिशियल टिक लग चुका है। इसी तरह अगेन मैं लेवल 3 पर आता हूँ और लेवल 3 पर भी आप यहाँ पे देखें तो 205 लग गए, तो अगेन मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कि लेवल 3 भी मेरा हो गया और यहाँ पे मेरी माइनिंग स्पीड 140 हो गई है। उसके बाद मैं 4th भी कर लेता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने फ्रेंड 4th के लिए भी डिपॉजिट कर दिया और डन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे डन पे जैसे ही क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 हो चुका है। इसी तरह अगेन मैं अगेन 4 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे बूस्ट पे क्लिक कर दूँ और जैसे ही बूस्ट पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल 4 हमारा लेवल 1, 2, 3, 4 हो चुका है। 5 है ये लास्ट है, तो इस पर मैं क्लिक करने के लिए अगेन नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँ और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँ तो अगेन यहाँ पे आइए रीड पे क्लिक, सेंड पे क्लिक करना है यहाँ पे आपने अगेन, और यहाँ पे आपने शो एड्रेस पे क्लिक करके एड्रेस कॉपी कर लेना है। तो ये फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा लेवल 5 है और इसके लिए भी 205 चाहिए। नीचे मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही डन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी माइनिंग स्पीड देखें 270 पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो ये पावर होती है आपके बूस्ट पैकेज की, लगाना ना लगाना आपकी चॉइस है। मैंने लगा लिए हैं, आप भी लगा सकते हैं जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस तरह बाकी इसका जो फुल ओवर व्यू है मेन डैशबोर्ड का वो उस पहले वाली वीडियो भी मैंने कवर की हुआ है। जस्ट इस वीडियो में मैंने यहाँ पे आपका थोड़ा सा ओवर व्यू करने के बाद ये आपने किस तरह अचीवमेंट किस तरह कंप्लीट करनी है और किस तरह आपने इसको बूस्ट करना है ये बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये, वीडियो को आपने ज़रूर एक बार अगेन देख लेना है। और ये वाला पोर्शन भी यहाँ पर आप देख लें अडॉप्शन का, अभी इसकी माइनिंग स्पीड पर आवर 16 चल रही है और 26 जून से इसकी जो हलविंग हो जाएगी तो फिर इसकी स्पीड आप ये समझिए कि हाफ हो जाएगी, फिर आपको पर आवर 8 टोकन मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप टीम बनाएं बूस्ट लगाएं तो आपको पहले टाइम से इसमें अच्छा खासा बेनिफिट होगा। जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जाएगी फिर हालविंग होती जाती है और आपका जो माइनिंग रेट है डिक्रीज होता जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में इस तरह इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिलती रहे।